चलो रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर हाइट दिस हाइट ठीक है। तो बहुत कोलोजी, हमने कोलोजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं जो चैप्टर हमने ऑलरेडी कोलोजी में कवर कर दिए हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। माना कि लास्ट सेमेस्टर में हमने इसके बेसिक डेफिनेशंस भी देखे, उसका क्या मैकेनिज्म होता है वो भी सारी चीज़ें हमने क्लियर में देख ली है। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनता है कि जो भी चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसकी स्टार्ट करेंगे। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट है सेडेटिव हिप्नोटिक। ये दो वर्ड का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेडेटिव? सेडेटिव क्या होते हैं? ड्रग्स विच डिक्रीजेस एक्साइटमेंट। अगर हमारे बॉडी में कोई एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो रही है, अननेसेसरी हो रही है, या किसी मेडिसिन की वजह से हो रही है, तो उसको कम करने वाले मेडिसिन माने सेडेटिव, सेडेटिव्स। बट उनका एक इफेक्ट होता है, दे प्रोड्यूस सेडेटिव इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। मतलब एक्साइटमेंट तो कम हो जाएगी लेकिन उस पर्सन को उस वक्त पे नींद नहीं आएगी। लेकिन हिप्नोटिक्स का क्या फंक्शन होता है? ड्रग्स विच डिक्रीजेस एक्साइटमेंट बट दे इंड्यूसेस स्लीप। मतलब हमारे बॉडी में कोई एक्साइटेशन स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अगर उसको कम करने के लिए हम कोई मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन लेने के बाद अगर एक्साइटमेंट कम होती है और उसके साथ अगर नींद हमें आती है तो उसको हम कहेंगे हिप्नोटिक। ये बेसिक डिफरेंस है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में। चलो, अभी जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन आपको सिलेबस में दिया है वो सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास में ही आता है। अभी आप कहोगे क्यों किसी ड्रग को हम सेडेटिव कहते हैं, और मतलब एक ही ड्रग डायजेपाम को ले लो एग्जाम्पल के लिए, वो सेडेटिव भी एक्ट करता है हिप्नोटिक भी एक्ट करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? एनी गेस? कोई कोरिलेशन बता डोज सकते हो? डिफरेंस एग्जैक्टली। मतलब आप अगर कम डोज ले रहे हैं तो सिडेटिव इफेक्ट है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डोज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उतना आपके रिसेप्टर का स्टिमुलेशन ज़्यादा देर तक चलेगा। अगर वो ज़्यादा देर तक चल रहा है तो ऑब्वियसली वन बाय वन आपके ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन हैं वो शट डाउन हो गए और अल्टीमेटली आपको नींद आएगी। सो दैट्स वाई दिस इज द मेन रीजन कि एक ही ड्रग दो इफेक्ट दिखा सकता है। चलो, उससे पहले हमें स्लीप के बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है कि क्या होता है स्लीप साइकिल। एक्चुअल में स्लीप साइकिल एक बहुत बड़ी प्रोसेस है लेकिन हमें जितना इसेंशियल डेटा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लीप? स्लीप इज रिड्यूस्ड बॉडी मूवमेंट, रिड्यूस्ड रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्लोज्ड आइज, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। मतलब बॉडी की ऐसी स्टेट जहाँ पे आपके मूवमेंट कंप्लीटली स्लो हो गए हैं, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है बॉडी की। रिड्यूस रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब हम स्टिमुलाई किन चीजों से लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल आईज दैट इज विजन, स्किन दैट इज टच, नोज दैट इज स्मेल, टेस्ट टंग से, मतलब हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। लेकिन जब भी हमें नींद आती है क्या ये सारे स्टिमुलाई एक्टिव फेज में रहते हैं? नहीं। तो इसको ही हम कहते हैं रिड्यूस रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट, क्लोज्ड आइज, ऐसा कोई है जो आंखें खुली रखे सोता है? लेकिन एक ऐसा एनिमल है एक्वेटिक कि जो आंखें खुली रख के सो सकता है, किसी को पता है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। और एक जो मछली है तो उसके आंख पे जो कवरिंग होता है क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है या फुल्ली कवर्ड होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑब्वियसली मछली भी एक हम कह सकते हैं कि वो जो उसके आंख पे जो आंख जब क्लोज करती है तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपेरेंट कवर है, तो हम उसको आंख खुले रख के सोना भी कह सकते हैं। चलो, तो इसमें एक स्टेप है कि क्लोज्ड आइज एंड रिड्यूस ब्रीदिंग रेट एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अभी यहाँ पे ब्रीदिंग रेट तो कम ही रहेगा और कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, मतलब क्या बाहर क्या हो रहा है नींद आने के बाद वो आपको नहीं पता चलेगा। एंड दिस आर द बेसिक पार्ट ऑफ योर स्लीप साइकिल की स्लीप इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन स्लीप इंडक्शन। अगर किसी पर्सन को स्लीप हमें लाना है, मतलब उसको नींद आने के फेज में ले जाना है,
तो वहां पे कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे भी पहले हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनके बारे में बात की थी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे कुछ रोल नहीं होगा, अगर वो एक्टिवेट हो गए तो हमें नींद नहीं आएगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी फंक्शनल न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन हमारे ब्रेन का जो स्लीप को कंट्रोल करता है। तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का पार्ट है, वेदर इट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? एनी गेस? बोलो। आपको हिंट देता हूँ, डाइनसेफेलॉन। फोर ब्रेन श्योर? ओके, राइट, करेक्ट आंसर है। आपके फोर ब्रेन में तीन रीजन है, ऑल्फैक्ट्री लोब, योर सेरेब्रम एंड योर डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के तीन पार्ट है, हाइपोथैलेमस, योर इपीथैलेमस एंड वन मोर इज देयर थैलेमस। ये तीन रीजन में से एक रीजन बनता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम है नींद को कंट्रोल करना, लेकिन क्या वो अकेला नींद को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की उससे मदद लेनी होगी। उसमें से जो प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में स्लीप साइकिल में काम करता है वो है आपका गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। दिस गाबा न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट फायरिंग ऑफ इम्पल्सेस। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है। उसके बाद वो जो आयनोट जो उसका चैनल है वो ओपन हो जाता है, वहां से होगा क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स। लेकिन ये इन्फ्लक्स इतना होगा कि वो सेल हो जाएगी हाइपर पोलराइज। अभी सोचो, एक सेल अगर हाइपर पोलराइज हो जाती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है पैरालिसिस। तो वो न्यूरॉन की सेल अगर पैरालाइज हो जाती है तो वो जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है वो आगे नहीं भेज सकता। एंड दैट्स वाई उसके सिक्वेंस में जितने भी न्यूरॉन प्रेजेंट है उन तक इम्पल्स नहीं जाता है। दैट्स वाई ओवरऑल सिस्टम गेट्स डिप्रेस्ड एंड फाइनली आपको मिलता है सेडेटिव इफेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट इनहिबिशन ऑफ योर फायरिंग ऑफ इम्पल्सेस। चलो, और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं इसमें जो हमें स्लीप इंडक्शन में मदद कर सकते हैं, जैसे कि अदर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटेड फॉर स्लीप इंडक्शन। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, अदर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटेड फॉर स्लीप इंडक्शन। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस और सिक्रीशन हमें इनहिबिट करना पड़ेगा जिसकी वजह से स्लीप इंडक्शन हो सकता है। इसमें है हिस्टामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हाइपोक्रेटिन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑरेक्सिन एंड ग्लूटामेट। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आते हैं। अगर इनका रिलीज हमने स्टॉप कर दिया कुछ देर के लिए तो ऑब्वियसली वहां पे एक पॉसिबिलिटी है न्यूरॉन का एक्साइटेशन कम हो जाएगा और उससे हमें नींद आएगी। तो ये था पर्टिकुलर कि क्या होता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं हमें एक्साइट करने के लिए एंड डिप्रेस करने के लिए। तो हमारे जो ड्रग की कैटेगरी है वो क्या करेगी, इन न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अभी अगर ये कोशिश करनी है तो ऑब्वियसली उसे किसी ना किसी स्ट्रक्चर पे एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करना। अगर हमारा ड्रग ये इंटरेक्शन को इनहिबिट कर सकता है तो ऑब्वियसली वहां पे पॉसिबिलिटी है उस रिसेप्टर की जो स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी होती है उसको वो स्टॉप कर सके। सो दैट्स व्हाई वी नीड सेडेटिव हिप्नोटिक्स की ऐसी ड्रग की कैटेगरी जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। लेकिन हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स की मेडिकल फील्ड में क्या जरूरत है वो भी पता होना जरूरी है। तो उसका क्या मेन इम्पैक्ट है, पहली चीज ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। कोई सोच सकता है क्या होता है इंसोमनिया? चलो, इतना मुझे पता है कि रात को नींद नहीं आती है, लेकिन उसके पीछे क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजी जनरली क्या होती है, सोचो। इंसोमनिया, एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अगर ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं तो इंसोमनिया होने के चांसेस है। अगर अभी सोचो, ये एक आपके लिए हिंट बन गई ना कि एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में कब रिलीज होते हैं, जब आपके ब्रेन में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है। ऑब्वियसली तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको कुछ टेंशन है, कुछ एंजाइटी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो और
आपके बॉडी में कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज रात के वक्त कम हो जाता है, दिन के वक्त ज्यादा रहता है। तो ये बायोकेमिकल बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो आपको इंसोमनिया होने के चांसेस है। तो इस केस को ट्रीट करने के लिए हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स लगेंगे। लेकिन क्या होगा अगर उस पर्सन का इंसोमनिया हमने ट्रीट नहीं किया? क्या हो सकता है? आपने कभी खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है? 2-3 रात नींद नहीं लिए उसके बाद क्या हालत होती है? एनीबडी? एग्जाम के पहले का सिनेरियो तो याद होगा। रात भर अगर हमने कुछ पढ़ाई की, रात भर बैठे रहे, सुबह उठा, एग्जाम दे दी, एग्जाम के बाद क्या होता है? एक बार एग्जाम फिनिश हो गए उसके बाद घर पे जाओगे, सो जाओगे, दिन भर उठोगे ही नहीं, राइट? तो ये है हमारा पहला कि हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स की जरूरत है टू ट्रीट इंसोमनिया। दूसरा है एंजाइटी ट्रीटमेंट, देन ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्शंस, देन मसल रिलैक्सेंट एंड एनास्थेटिक पर्पस। ये कुछ पर्पस है जिसकी वजह से हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स की जरूरत होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम बात करने वाले हैं बेंजोडाइजिपिन्स के बारे में। ये प्रिंसिपल ड्रग है। इसके ऊपर आपको 10 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि इसका SAR एक्सप्लेन करो, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करो। कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप माने वॉट? ये जो आपको स्क्रीन पे अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो उससे मेरे बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट मिलेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उससे पहले हम जान लेते हैं बेंजोडायजिपिन वर्ड का मीनिंग। देखो, बेंजो मीन्स वॉट? बेंजीन मॉइटी। चलो, हमारे स्ट्रक्चर में हमें बेंजीन मॉइटी दिख रही है। सेकेंड वन इज डाई। डाई माने वॉट? टू मॉलिक्यूल्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अजीपिन। अजीपिन को जानने से पहले, अजा का मीनिंग होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन को जनरली हम कहते हैं अजा। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? डाई अजीपिन। इससे पहले हम अजीपिन के बारे में जान लेते हैं। अजीपिन मीन्स वॉट? अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल ऑफ 7 एटम्स। अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल ऑफ 7 एटम विथ अ नाइट्रोजन एटम एंड 6 कार्बन एटम, उसको हम कहते हैं एजीपिन। लेकिन यहाँ पे वर्ड है डाई अजीपिन। डाई अजीपिन का मीनिंग क्या है? दो अजा ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दो अजा मीन्स वॉट? दो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दैट टोटल स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजो डाई अजीपिन। सागर राठौड़ माइक म्यूट कर दो। लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हो, अगर मूड है करने का तो ही अटेंड करो। लेकिन मेरी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है। अभी मैंने उसे मीटिंग से रिमूव कर दिया है। अगर फिर से ऐसा होता है किसी के साथ, सेम एक्शन विल बी टेकन। ओके, चलो। तो बेंजोडाइजेपिन का मीनिंग हमें अभी पता चल चुका है। इसके बाद हम वन बाय वन उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स आर 5-aryl-1,4-benzodiazepines। अभी इस स्ट्रक्चर में देखो, 5-aryl, अभी यहाँ पे पोजीशंस को नंबरिंग दिया है, उस नंबरिंग को पहले बताता हूँ। जो 7-member ring है, जहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वहां से नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी है। पहले नाइट्रोजन को 1, कार्बोनिल ग्रुप को 2, देन 3, 4th नाइट्रोजन एंड 5th। अभी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने 4th और 5th को मार्क कर दिया। उसके बाद स्टार्ट होगा 6, 7, 8, 9। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? उसके बाजू में जो बेंजीन रिंग है वहां से स्टार्ट करना है, 6, 7, 8, 9। अभी जो रिंग दूसरी बचती है बेंजीन की, उसको हम अलग नंबरिंग करेंगे, जैसे कि 1-2-3-4-5-6-। अभी हम पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? मोस्ट बेंजोडाइजेपिन्स आर 5-aryl, मतलब जो 5th पोजीशन है वहां पे आपका एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा विथ
1,4-benzodiazepine. अभी ये 1,4 क्या इंडिकेट करता है? आपके नाइट्रोजन ग्रुप की पोजीशन. दैट्स व्हाई दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज आइडेंटिटी ऑफ योर बेंजोडाइजेपिन विच इज 5-aryl-1,4-benzodiazepine कंपाउंड. सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स अ कार्बोक्स अमाइड ग्रुप इन 7-membered डाइजेपिन रिंग स्ट्रक्चर. अभी कार्बोक्स अमाइड मीन्स वॉट? सिंपली अमाइड. अमाइड मीन्स वॉट? एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी प्रेजेंट है. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं, कार्बोक्स माने कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड मीन्स आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच. लेकिन अमाइड एंड कार्बोक्समाइड्स आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड और कार्बोक्स अमाइड, आप ऐसे कह सकते हो, दोनों एक दूसरे के लिए सिनोनिम है. सो दिस टोटल स्ट्रक्चर कंटेन अ कार्बोक्स अमाइड ग्रुप इन 7-membered डाइजेपिन रिंग स्ट्रक्चर. वो हमें दिख रहा है. एक नंबर पे है नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पे है कार्बोनाइल ग्रुप. तीसरा पॉइंट, एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक ग्रुप दैट इज रिंग ए इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी विच में पार्टिसिपेट इन पाई पाई स्टैकिंग विथ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू ऑफ रिसेप्टर. अभी ये ग्रुप क्या कहता है? यहाँ पे मैंने 3 रिंग सिस्टम को ड्रॉ किया है, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी. पॉइंट क्या कहता है? एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक ग्रुप रिंग ए, मतलब वो जो रिंग ए है वो एरोमेटिक भी हो सकती है और हेट्रो एरोमेटिक भी हो सकती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो एरोमेटिक? Is there any difference between aromatic and heteroaromatic? Anybody? Yes. Heteroaromatic, in which aromatic rings contains hetero atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, and phosphorus. हो सकता है? And which are aromatic in nature? No, sir. Okay. Phosphorus नहीं. नहीं ना. Okay, fine. So. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. एक तो हमारी रिंग एरोमेटिक भी हो सकती है और हेट्रो एरोमेटिक भी हो सकती है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी. मतलब आपके बेंजोडाइजेपिन की सिडोटी हिप्नोटिक एक्टिविटी शो करने के लिए ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो रिंग है ये पाई पाई स्टैकिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करती है विथ रिस्पेक्ट टू योर अमाइनो एसिड ऑफ रिसेप्टर. इससे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई पाई स्टैकिंग. पाई पाई स्टैकिंग क्या होता है? दो एरोमेटिक रिंग जब साथ में आती है तो उसमें उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है. इंटरैक्शन माने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं पाई पाई स्टैकिंग. सो अगर मेरे ड्रग को मेरे रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स का होना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली. तो इसकी वजह से जो एरोमेटिक रिंग ए है वो एक पाई पाई स्टैकिंग सिस्टम बिहेव करती है. मतलब वो एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिबिट करती है. जैसे ही वो रिसेप्टर के पास जाता है तो रिसेप्टर हमारा क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है. उसमें एरोमेटिक अमाइन भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं. तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स किसको कहते हैं हम? जिस अमाइनो एसिड में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है. तो अभी हमारा जो गाबा रिसेप्टर है इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बेंजोडाइजेपिन का रिंग ए एंड योर रिसेप्टर का जो कुछ भी रिंग होगा एरोमेटिक, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तभी जाके उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगी और तभी जाके आपका पूरा जो रिसेप्टर का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा. एंड दैट्स वाई दिस रिंग ए इज वेरी इसेंशियल फॉर योर रिसेप्टर एक्टिविटी. Is there any confusion on this slide? चलो next slide को जाते हैं. Next point है, an electronegative substituent at 7 position is required for activity and more electronegative it is, the higher the activity. देखो structure पे जाते हैं हम. Structure क्या कह रहा है हमारा? इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एट 7 पोजीशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी. यहाँ पे हमारी 7 पोजीशन कहाँ पे है? रिंग ए में. देखो रिंग ए में हमने 6, 7, 8, 9 को मार्क किया है. उसमें जो 7 पोजीशन पे मैंने एक्स मार्क किया है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट. जनरली एक्स रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वहां पे जो सेवेंथ पोजीशन है वहां पे एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है फॉर योर रिसेप्टर एंड ड्रग इंटरेक्शन। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जितनी ज्यादा है उतना उसका एक्टिविटी करने का जो नेचर है वो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन 6, 8, 9 शुड नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। अभी देखो 6, 8 एंड 9 यहाँ पे आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है रिंग ए में। अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, उस ड्रग की जो कुछ भी एक्टिविटी थी वो कम हो सकती है और बदल भी सकती है जो हमें नहीं चाहिए। दैट्स वाई इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का ये पॉइंट है कि 6, 8, 9 पे हमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट अ फिनाइल रिंग सी एट पोजिशन 5 प्रमोट एक्टिविटी ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अगर हम पोजीशन 5 पे जो फिनाइल रिंग अभी हमने अटैच की है 1-2-3-4-5-6 वो क्या कहती है, इट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ बेंजोडाइजेपिन। मतलब इसको अगर हम निकाल देते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो भी उसकी सेडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी थी और है वो खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई फिनाइल रिंग सी इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर सेडेटिव हिप्नोटिक बिहेवियर ऑफ योर ड्रग। नेक्स्ट इफ दिस फिनाइल ग्रुप इज ऑर्थो और डायऑर्थो, लेकिन कौन से रिंग में, जो 5 नाउ एट द पोजीशन 5 पे जो 1-2-3-4-5-6 जो रिंग सी प्रेजेंट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सी रिंग है, इफ दिस फिनाइल ग्रुप इज ऑर्थो और डायऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड विथ इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर 2- पोजीशन है और 2-6-6 पोजीशन है वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, CH3 अल्काइल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप है, सोचो। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन हो सकता है, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलेंड विड्रॉइंग NO2 असेल, एग्जांपल NO2 असेल। अलोंग विथ दैट आपण असं म्हणू शकतो हॅलोजन एटम सुद्धा त्यामध्ये येतात की ते इलेक्ट्रॉनला विड्रॉ करू शकतात। सर पण ते माइल्ड मध्ये येतात, ते पण 2-6 पोझिशनला ऍक्टिवेट करतात। ओके, अभी यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, आपके पीरियोडिक टेबल में 17th वाला जो ग्रुप है वो है आपके हैलोजन्स which having highest electronegativity order। तो किसी भी एटम की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना चाहोगे तो किसके अगेंस्ट करोगे, हैलोजन्स के अगेंस्ट करोगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कौन से ग्रुप आ सकते हैं जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ग्रुप 17 के आपके हैलोजन एटम्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन। ओके, सो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर 2-2-6 पोजीशन पे अगर हो सकते हैं तो वहां पे एक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस है। नेक्स्ट पैरा सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस एक्टिविटी। अभी पैरा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम कहते हैं ऑर्थो पोजिशन मेटा पोजिशन, लेकिन अगर पैरा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे मतलब 4th पे तब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक्टिविटी कम हो सकती है तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट इन डायजिपिन रिंग बी सैचुरेशन ऑफ द 4-5 डबल बॉन्ड और इट्स शिफ्ट टू 3-4 पोजिशन डिक्रीजेस एक्टिविटी। चलो रिंग पे जाते हैं। अगर रिंग बी में 4 एंड 5th जो एटम नंबर हमने मार्क किए हैं तो उसके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हम अगर शिफ्ट कर देते हैं 3 और 4 के बीच में और उसको अगर निकाल देते हैं तो पॉसिबिलिटी वहां पे है आपके कंपाउंड की एक्टिविटी पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगी, तो हमें वहां पे सैचुरेशन नहीं करना है। नेक्स्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 3 डिक्रीजेस एक्टिविटी बट सब्स्टिट्यूशन विथ अ हाइड्रोक्सिल डज नॉट। रिंग बी में 3rd पोजीशन पे अगर हम कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपके कंपाउंड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन वहां पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो वहां पे एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होने के चांसेस है। अभी वो कैसे होगा वो हम देखते हैं।
प्रेजेंस ऑफ थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल. फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कोई बता पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू टर्म्स? बोलो, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. एनीवन, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स? व्हाट ड्रग्स डस टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स. ओके, एंड फार्माकोडायनामिक्स इज व्हाट बॉडी डस टू द ड्रग. अभी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये किस में आएगा? फार्माकोकाइनेटिक में या फार्माकोडायनामिक्स? फार्माकोकाइनेटिक में आएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो फार्माकोडायनामिक क्या होता है फिर, उसको अगर सिंपल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहो तो? चलो इसके लिए आपको एक हिंट भी दे देता हूँ. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है या फार्माकोडायनामिक के अंदर आता है? फार्माकोडायनामिक्स. एग्जैक्टली. तो अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में नहीं देख रहे, हम सिर्फ किस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, कि वो ड्रग बॉडी के अंदर कैसे मूव हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है. देखो, जब भी किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करना होता है तब बॉडी क्या करती है, उसको हाईली लिपोफिलिक रीजन से हाईली हाइड्रोफिलिक रीजन में कन्वर्ट कर देती है. अभी मुझे एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना है, क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने के बाद आपके कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी या हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी? सोचो. हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी ना सर? पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रही हूँ. ओके, देखो H2O, H+OH, तो वाटर मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व हो सकता है ना, तो वो हाइड्रोफिलिक है ना. दैट्स वाई OH ग्रुप को अगर किसी कंपाउंड के साथ अगर आप अटैच करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है. तो अभी हम देखने वाले हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंपॉर्टेंस, जैसे कि 10th पॉइंट में हमने क्या कहा, अगर हम अल्काइल ग्रुप को वहां पे ऐड करते हैं तो एक्टिविटी बदल जाएगी, कम हो सकती है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर ऐड कर देते हैं तो एक्टिविटी वैसे भी रह सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है. सो अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर ऐड किया तो क्या, अगर निकाल दिया तो क्या. चलो, तो पहला पॉइंट है विदाउट थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, कंपाउंड बिकम्स नॉन पोलार. नॉन पोलार मीन्स व्हाट, वो कंपाउंड का जो हाइड्रोफिलिक बिहेवियर था वो कम हो जाएगा. मतलब अगर वो पोलार होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन पोलार कंपाउंड में. अभी आप कहोगे पोलार एंड नॉन पोलार में क्या डिफरेंस होता है? पोलार मीन्स व्हाट, सेपरेशन ऑफ योर चार्जेस, H+OH-. नॉन पोलार में चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे चार्जेस जनरेशन होने के जो चांसेस थे वो कम हो चुके हैं. दैट्स व्हाई योर ड्रग अंडरगो, कंपाउंड बिकम नॉन पोलर एंड ड्रग अंडरगो हिपैटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड फॉर्म्स एक्टिव मेटाबोलाइट. मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आपके कंपाउंड का हिपैटिक ऑक्सीडेशन होगा. हिपैटिक ऑक्सीडेशन माने व्हाट, लीवर में जाने के बाद उस ड्रग का थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एंड एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, जिसकी वजह से आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बॉडी में ज्यादा होगा. लेकिन अगर आप उस पर थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देते हो तो आपका कंपाउंड बन जाएगा पोलार, मींस वहां पे चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिकली, एंड इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोरोनाइड एंड दैट्स व्हाई योर एक्टिविटी डिक्रीजेस. मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने के बाद वो उस कंपाउंड की वाटर में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और अगर कोई कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो इजीली वो बॉडी से बाहर चला जाता है, उसकी हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्शन करने की, स्टिक रहने की कैपेसिटी कम हो जाती है. दैट्स वाई आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इम्पैक्ट करता है. तो जीपैक्ट के लिए पॉइंट याद रखना है कि थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी और नॉन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी. इफ इट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी देन वो
क्या करता है, नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करता है, पोलर में नॉन पोलर को कन्वर्ट करता है? अगर थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो किस टाइप का ऑक्सीडेशन होगा, क्या एक्टिव मेटाबोलाइट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस में होगा या एब्सेंस में होगा? तो ये पॉइंट याद रखो जीपैट के लिए फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. चलो नेक्स्ट पॉइंट, टू कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी. मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर में जो दो नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमारे एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम नहीं रिमूव कर सकते. नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप एट C2 इज रिक्वायर्ड एंड मे इंटरैक्ट विद हिस्टिडिन रेसिड्यू ऑफ गाबा ए रिसेप्टर. अभी C2 पोजीशन कहाँ पे हमारी, यस, मतलब यहाँ पे C2 जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो वो क्या कहते हैं पॉइंट, हाँ, अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप एट C2 इज रिक्वायर्ड एंड मे इंटरैक्ट विद हिस्टिडिन रेसिड्यू ऑफ गाबा ए रिसेप्टर. मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की ही बात कर रहे हैं. अगर गाबा ए रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करना है तो वहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप का रहना जरूरी है. अगर वो ग्रुप हम निकाल देते तो जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होना चाहिए था वो नहीं होगा. तो यहाँ तक था आपका टोटल SAR ऑफ बेंजो डायाजेपिन. इसके आगे स्टार्ट हो रहा है आपके सिलेबस का नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंडिविजुअल ड्रग्स. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. तो आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. नो सर, तब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. सर एक डाउट है, आपने बोला ना कि OH ग्रुप अटैच रहेगा तो फिर एक्सक्रीशन ज्यादा होगा बिकॉज़ वो हाइड्रोफिलिक होगा. हाँ, तो फिर सर वो एक्शन कैसे दिखाएगा अगर OH ग्रुप होगा वो ड्रग में तो? नहीं नहीं नहीं, OH ग्रुप इज फार्माकोलॉजिक फार्माकोकाइनेटिकली सिग्निफिकेंस दिखाता है. अच्छा, अगर OH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है तो आपके ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. अगर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उस ड्रग का कन्वर्जन होगा एक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपके ड्रग की बढ़ जाएगी. सर मतलब वो उसका फिर कुछ भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे कुछ असर नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10th पॉइंट ये खुद बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज नॉट अफेक्ट योर एक्टिविटी. मतलब कम नहीं करेगा, स्टेबल रखेगा, नहीं तो बढ़ा भी सकता है. लेकिन कम कब होगा, अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहे हैं उसके साथ तो वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद एक्टिविटी डिमिनिश होगी. करेक्ट? ओके सर, हाँ सर समझा. चलो, अटेंडेंस हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. All the best.